और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें कि नेपाल के काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ है। और ये बड़ी खबर, ये सीधी तस्वीरें हम आपको काठमांडू से दिखा रहे हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। और प्लेन क्रैश होने की वजह से देखिए किस तरह से टीमें तैनात हैं और अफरा तफरी का माहौल है। सीधी तस्वीरें हम आपको काठमांडू से दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज वन इंडिया पर। टेक ऑफ के दौरान रनवे पर विमान फिसला और विमान के फिसलने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। तो नेपाल के काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज वन इंडिया पर। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। तो बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ है, हादसे के बाद प्लेन में आग भी लगी है। ये बड़ी जानकारी, विमान में करीब 19 लोग सवार थे और ऐसे में अब राहत बचाव कार्य भी जारी है। बताया जा रहा है कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये पूरा मामला है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। टेक ऑफ के दौरान रनवे पर विमान फिसला और विमान फिसलने की वजह से हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से विमान फिसला और उसके बाद प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन में आग भी लगी है, जिस वक्त यह हादसा हुआ है उस वक्त विमान में 19 लोग सवार थे। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है, हादसे के बाद प्लेन में आग भी लगी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज वन इंडिया पर हम आपको काठमांडू से दिखा रहे हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है, विमान में 19 लोग सवार थे जिस वक्त ये हादसा हुआ है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा मामला है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। तो नेपाल के काठमांडू में प्लेन क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ है उस वक्त 19 लोग सवार थे इस प्लेन में। त्रिभुवन एयरपोर्ट का पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान ये विमान जो कि फिसल गया और फिसलने की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है।